हेलो फ्रेंड्स, आज हमें जावास्क्रिप्ट का एक प्रैक्टिकल का प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड स्टोर इट्स फैक्टर्स इनटू एन एरे एंड डिस्प्ले दैट एरे। तो हमें नंबर रीड करना है एचटीएमएल से, और नंबर रीड करके जावास्क्रिप्ट में उसका फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स एरे में सेव करने हैं, और वो एरे हमें डिस्प्ले करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हमें ये प्रोग्राम करने कैसा है। तो पहले तो हमें HTML लिखना होगा, HTML, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड हम HTML में लिख सकते हैं। HTML के बाद आपको हेड टाइटल अगर लिखना है, हेड में हमें टाइटल लिखना है। टाइटल में लिखता हूँ मैं फैक्टर्स, टाइटल क्लोज। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। स्क्रिप्ट में हम फंक्शन वगैरह लिखेंगे, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट क्लोज कर देता हूँ। स्क्रिप्ट स्लैश scrapt, स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे क्लोज कर दी, और फंक्शन हमारा इस स्क्रिप्ट के अंदर आएगा। स्क्रिप्ट में मैं एक यहाँ पे एक फंक्शन लिखने वाला हूँ, फंक्शन फाइंड फैक्टर्स। बाद में इसका वर्किंग कैसे होता है वो भी ट्रेस करके देखेंगे, और ये प्रोग्राम हम लैपटॉप पे रन करके भी देखने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। फंक्शन फाइंड फैक्टर, इस फाइंड फैक्टर को हम अभी यहाँ पे एम्प्टी रख रहे हैं, क्योंकि मैं फंक्शन में ही पैरामीटर्स रीड करने वाला हूँ, यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द कंट्रोल। तो इस फंक्शन में हम वैल्यूज रीड करेंगे। इसके पहले मुझे जो भी वैल्यूज सेंड करनी है फंक्शन को, वो वैल्यूज मैं एचटीएमएल से भेज देता हूँ। तो एचटीएमएल में मैं यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ देता हूँ प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे हेड टैग क्लोज, यहाँ पे हम एक फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म को मैं नेम दे रहा हूँ FRM1, और एक्शन वगैरह पार्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में ही कोडिंग कर रहे हैं। एक्शन पार्ट आपको अगर PHP में आप कोडिंग कर रहे होंगे तो एक्शन और मेथड लिखने की जरूरत होती है। मुझे यूजर से एक नंबर रीड करना है, तो एंटर नंबर ये लेबल लिखेंगे। उसके बाद हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट बॉक्स को हम नेम दे रहे हैं नेम इक्वल टू T1, ऐसा नाम दिया हमने। तो हमें एक बटन भी क्रिएट करना है, तो हम एक बटन क्रिएट करते हैं। उसके आगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, यहाँ पे हम बटन ले रहे हैं क्योंकि हमें एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। उस बटन के क्लिक पे, या फिर अभी पहले तो हमें इनपुट टाइप बटन ले लिया, बटन पे हमें कौन सा टेक्स्ट दिखाने हैं। मुझे बटन पे वैल्यू लिखनी है, वैल्यू मतलब कैप्शन होता है, जिसमें हमें लिखना है डिस्प्ले फैक्टर्स, और उस बटन के क्लिक पे वही यहाँ पे मैं कोड कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन मैं कॉल कर रहा हूँ फाइंड फैक्टर्स प्रोग्राम को। मैं यहाँ पे फाइंड फैक्टर, जो भी हमने प्रोग्राम में फंक्शन लिखा है जावास्क्रिप्ट में ऊपर, यहाँ पे वही फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा फॉर्म क्लोज, और ये HTML क्लोज। तो हमें कौन सी वैल्यूज सेंड करनी है और कहाँ पे वैल्यू रीड करनी है वो पहले यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। हमने फंक्शन तो लिखा है, फंक्शन में अभी हमें वैल्यू बॉडी ऐड करनी है। ऑन क्लिक इवेंट हम फाइंड फैक्टर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ऑन क्लिक इवेंट हम फाइंड फैक्टर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझ लो एक बात कि हमें वैल्यू कहाँ से रीड करनी है। तो फॉर्म FRM1 में जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है
उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें यहाँ पे रीड करनी है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। फॉर्म वन में टेक्स्ट बॉक्स वन नाम का जो भी कंट्रोल है उस कंट्रोल में जो वैल्यू एंड यूजर ऐड करेगा और उसके बाद बटन पे क्लिक करेगा तो वो वैल्यू हमें फाइंड फैक्टर इस फंक्शन में रीड करनी है। तो देखते हैं कैसे वैल्यू रीड कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे एक एन नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। यहाँ पे एन इज इक्वल टू फॉर्म का नेम है हमारा FRM1 डॉट, उसमें T1 नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स है डॉट, उसमें जो भी वैल्यू हमारे पास आई है या यूजर ने एंटर की हुई है तो वो वैल्यू हम एन में ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वैल्यू एक्सेस का पार्ट। HTML से हमने वैल्यू रीड की जावास्क्रिप्ट में। HTML में हमने वैल्यू FRM1 T1 में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमने रीड की जावास्क्रिप्ट में। अभी इस वैल्यू के लिए हमें फैक्टर्स निकालने, फैक्टर्स निकालने मतलब हमें अगर यूजर ने 10 वैल्यू दी तो 10 के लिए 1 फैक्टर होगा, ऑब्वियस हो गई, 2 होगा और 5 होगा। अगर आप चाहे तो 10 तक भी फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो 1, 2, 5, मुझे हाफ रेंज तक ही अगर जाना है तो 1, 2 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ लूप वेरिएबल आई, जो इनिशियलाइज में करना कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 लूप वेरिएबल यहाँ पे मुझे लगेगा। एक एरे डिक्लेयर करना है क्योंकि हमें बोला है कि एरे में वैल्यू स्टोर करनी है। तो एक एरे वेरिएबल ए आर इज इक्वल टू न्यू एरे, एक डायनेमिक एरे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे साइज कुछ भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं कितने फैक्टर्स उस नंबर के आने वाले हैं। मैं यहाँ पे 3 दे दूँ, 4 दे दूँ, 5 दे दूँ, इसके लिए हम ये डायनेमिक रखेंगे, मतलब जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो उतने एरे में ऐड होते जाएंगे। एरे इक्वल टू न्यू एरे, एक ए आर नाम का वेरिएबल एरे का हमने क्रिएट किया डायनेमिक एरे का। तो हमें अभी फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप इटरेट करता हूँ। फॉर आई इक्वल टू 1 वहां पे इनिशियलाइज किया, फिर से मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन बाई टू, मैं हाफ रेंज तक ही फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, और आई प्लस प्लस। ये इटरेट कैसे होता है वो भी बाद में देखेंगे और रन करके भी देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे फैक्टर्स कब होता है, जब उस नंबर से मतलब इस आय से अगर एन को डिवीजन परफॉर्म हो गई मतलब रिमाइंडर 0 आया तो वो फैक्टर होता है। तो हम वहाँ यहाँ पे ये वही चेक करेंगे, एन मॉड आय का रिजल्ट अगर 0 आता है तो हम एरे में ए आर ऑफ आय में, सॉरी ए आर ऑफ जे में, क्योंकि हमें अलग सा एक जे वेरिएबल भी लेना होगा, ए आर ऑफ जे में हम आई की वैल्यू ऐड करेंगे। मतलब अगर 1 है तो 1 एन मॉड 1 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0, ए आर ऑफ 0 में 1 वैल्यू ऐड होने ही वाली है। उसके बाद हम यहाँ पे जे प्लस प्लस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हुआ हमारा फॉर लूप का ब्रैकेट क्लोज। तो उसके बाद ये एरे में वैल्यू स्टोर होने के बाद हमें वो एरे प्रिंट करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे दूसरा फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जे और आई प्लस प्लस, और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमें ब्राउजर पे अगर कंटेंट डिस्प्ले करने हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की राइट मेथड जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसमें हमें फैक्टर्स जो भी है वो ए आर ऑफ आई में वो फैक्टर्स हमें डिस्प्ले करने हैं, डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया है फॉर लूप का और यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज हुआ। तो दोस्तों अभी ये प्रोग्राम तो हमने लिखा है लेकिन इसका ट्रेसिंग कैसे होता है वो हम देखेंगे। कंसिडर कीजिए हमारे फॉर्म, हमारे पास एक फॉर्म या ऐसा फॉर्म क्रिएट हुआ HTML का प्रोग्राम रन होने के बाद। इस फॉर्म में एंटर नंबर और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिला है और यहाँ पे एक बटन मिला है सपोज,
इस बटन पे लिखा है फाइंड फैक्टर। यहाँ पे अगर यूजर ने एंटर किया सपोज 10, तो ये 10 नंबर, इसका नाम है हमारा T1 और फॉर्म का नाम है FRM1। तो FRM1 में T1 जो भी है, ये वैल्यू हमारी मूव कहाँ पे जाएगी बटन के क्लिक करने के बाद, तो हमारे पास जो भी फॉर्म वन है, फॉर्म वन में जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये इन ऑन क्लिक इवेंट पे फाइंड फैक्टर को जा रही है। मतलब जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा कॉल इस फंक्शन को जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन में हमने ये जो वैल्यू लिखी है 10, वो वैल्यू T1 डॉट वैल्यू करके हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। ये समझ लो, मैं एरो से दिखा ही रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फैक्टर्स ये बटन है, ये हमारा बटन है, तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने ऑन क्लिक इवेंट लिखा ही है, ऑन क्लिक फाइंड फैक्टर। इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमारी एन में चली गई। तो यहाँ पे एन नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, एन में सपोज यहाँ पे 10 वैल्यू ऐड हो गई। अभी हमने एक आई वेरिएबल ले लिया है जिसमें हमने 1 वैल्यू सेट की, दूसरा जे वेरिएबल ले लिया है उसमें हमने 0 वैल्यू सेट की कर दी है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेसिंग बता रहा हूँ आपको, जिस ट्रेसिंग से आपको समझ में आएगा कि हमने फैक्टर्स कैसे फाइंड किए। एक एरे भी हमने क्रिएट किया है, जो भी डायनेमिक साइज का एरे है हमारे पास। बाद में हमने लूप इटरेट किया है फॉर आई इक्वल टू 1, आई में 1 वैल्यू एंटर की हमने पहले से ही। उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू एन बाय 2, मतलब 10 बाय 2 इसका रिजल्ट आया 5। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 ये कंडीशन ट्रू होती है, तो उसके बाद हम लूप के अंदर एंटर करके हम यहाँ पे एन मॉड आई कर रहे हैं। एन मॉड आई मतलब एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 मॉड आई मतलब 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका रिजल्ट अगर 0 मिला तो 0 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ए आर ऑफ जे में मतलब एरे ऑफ 0 में हम वो वैल्यू एंटर करेंगे, आई की वैल्यू 1 हमने यहाँ पे एंटर कर दी। उसके बाद हमें जे प्लस प्लस करना है, यहाँ पे जे प्लस प्लस करना है, तो जे प्लस प्लस करने के बाद जे की वैल्यू यहाँ पे हुई 1, ब्रैकेट क्लोज हुआ। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाने के बाद हम फिर से आई प्लस प्लस करेंगे, आई प्लस प्लस करने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से फिर से हम चेकिंग करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ये भी ट्रू है, तो फिर से अंदर चले जाएंगे, अंदर n mod 2 मतलब 10 mod 2 का रिजल्ट फिर से 0 आ जाएगा, 0 इक्वल इक्वल 0 ये कंडीशन ट्रू है, तो अंदर ar ऑफ j मतलब ar ऑफ j की वैल्यू 1 है, ar ऑफ 1 में हम i की वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब 2 ये वैल्यू हमने ऐड कर दी। उसके बाद j प्लस प्लस करेंगे, j प्लस प्लस करने के बाद j की वैल्यू 2 हो गई, ब्रैकेट क्लोज हो गया, if का फॉर का लूप क्लोज हो गया, यहाँ पे फॉर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 3, फिर से यहाँ से कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर चले जाएंगे, अंदर n mod i मतलब 10 mod 3, 10 mod 3 का रिजल्ट आएगा 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसके लिए हम अंदर नहीं जाएंगे, इसके लिए j प्लस प्लस भी नहीं होगा। फॉर i का लूप कंप्लीट हुआ, i प्लस प्लस करने के बाद i की वैल्यू हो गई 4, फिर से 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन है ट्रू, फिर से अंदर जाएंगे, 10 mod 4 हो जाएगा, 10 mod 4 का रिजल्ट आएगा 2, 2 इज इक्वल इक्वल 0, कंडीशन हो गई फॉल्स, हम अंदर नहीं जाएंगे, फिर से i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो गई 5, फिर से चेकिंग करेंगे, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से अंदर जाएंगे, n mod 5 मतलब 10 mod 5 इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 0, तो 0 इक्वल टू 0 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर से अंदर जाएंगे,
ए आर ऑफ जे, जे की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे ऐड करेगा आई की वैल्यू, तो इसमें ऐड होगी 5। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू होगी 3, ब्रैकेट क्लोज, आई की वैल्यू हो गई 6, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो दोस्तों हम इस लूप से बाहर आ गए। इसके बाद हमने एक अलग सा लूप लिखा है फॉर आई इक्वल टू 0। फिर से आई इक्वल टू 0 स्टार्ट किया, हमने आई में 0 वैल्यू सेट की, आई इज लेस देन जे, जे की वैल्यू 3 है, तो 0 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है। तो अंदर आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए आर ऑफ आई, मतलब ए आर ऑफ 0, ए आर ऑफ 0 में हमारे पास क्या है 1, तो 1 एज अ फैक्टर हमारा यहाँ पे फॉर्म पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू होगी 1, फिर से कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है। फिर से ए आर ऑफ आई हम प्रिंट कर रहे हैं, ए आर ऑफ आई, तो ए आर ऑफ आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 0 1 2, ए 1 पोजिशन की वैल्यू 2 यहाँ पे डिस्प्ले होगी। उसके बाद फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू होगी 2, 2 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है। फिर से डिस्प्ले होगा ए आर ऑफ 2 5, ये 5 वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर से जे आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू होगी 3, कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन 3, कंडीशन होगी फॉल्स, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना था जो नंबर रीड करेगा और उसके फैक्टर्स एरे में स्टोर करके वो फैक्टर्स डिस्प्ले करेगा। हमने एचटीएमएल से वैल्यू रीड की, वो वैल्यू हमने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस की, उसके फैक्टर्स निकाले, और वो फैक्टर्स एरे में सेव करने के बाद, स्टोर करने के बाद, ये फैक्टर्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए। तो दोस्तों ये था हमारा वे ऑफ ट्रेसिंग। अभी ये प्रोग्राम हम लैपटॉप पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको कुछ यहाँ पे डाउट आया या फिर अलग से कौन से प्रोग्राम चाहिए होंगे तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं।